नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम आगामी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसलिए ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, जितने और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को मैं आपको आपके एग्जाम से पहले कवर कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आपको 3-4 टॉपिक करवा भी चुका हूँ, जिसने नहीं देखे हैं आप वो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आपका होगा पेरिस, फ्रांस के अंदर। देखिए, आप जितने भी रिलेट करके याद कर सकते हो उतने याद कर लो, बाकी आप ऐसे ही याद कर लेना। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन क्या है? गर्मियों के समय। तो गर्मियों के समय हमें कहाँ पर जाना चाहिए घूमने के लिए? तो आपको जाना चाहिए पेरिस। ठीक है, तो पेरिस देखिए, हम जो भारत के अंदर किसको बोलते हैं, राजस्थान के जो जयपुर को बोलते हैं पेरिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर पर्यटक स्थल ज़्यादा है। ठीक है, तो घूमने फिरने की जगह जहाँ होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिस। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहाँ पर होगा? तो ये आपका जो शीतकालीन है ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका बीजिंग, चीन के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपका रहेगा 19वां एशियाई खेल। तो 19वें एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके चीन के अंदर। ठीक है, तो आप इसको देखिए थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हो। एशिया के अंदर सबसे जो आपका पावरफुल देश है कौन सा है? चीन है। ठीक है, इसी के पास इसकी इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह सबसे ज़्यादा है। तो आपका सबसे पावरफुल देश कौन सा है? ये है। तो एशियाई खेलों का आयोजन भी कौन करेगा? यही करेगा। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, 22वां राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम खेल 2022 कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये होंगे आपके बर्मिंगम, इंग्लैंड के अंदर। देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इनके अंदर कौन भाग लेता है? वही देश भाग लेते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी कि इंग्लैंड के अधीन थे। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लोगे। ये वास्तविकता है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में वही भाग लेता है जो कभी ना कभी क्या था? इंग्लैंड के अधीन था। तो अब गेम भी कहाँ पर हो रही है? इंग्लैंड के अंदर ही। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट यानी कि क्रिकेट का विश्व कप महिला के लिए, वो कब होगा? 2022 के अंदर, और कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो विश्व कप है ये है आपका 50-50 यानी कि वनडे मैच, जो 50-50 ओवर वाला होता है ये वो है। और जो ये नेक्स्ट रहेगा आपका, 13वां पुरुष विश्व कप क्रिकेट, तो ये पुरुष का है विश्व कप, जो ये भी क्या है? 50-50 है यानी कि वनडे। ये कहाँ पर होगा? भारत। देखिए, जो भारत के अंदर होते हैं उनको तो आप आसानी से ऐसे ही याद रख लेना, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 8वां पुरुष T20 विश्व कप 2022, तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपका कौन सा है? T20 यानी कि 20-20 ओवर वाला। और ये देखिए, अभी 14 नवंबर को ही ये T20 खत्म हुआ है, अभी वर्ल्ड कप जो 2021 का था तो ये क्या था? 2020 के अंदर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ? अभी 2021 के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये अभी जो किसने जीता है फाइनल मैच इसका, तो ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसीलिए आप इसको याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया ने अभी जीता है। और जो 2022 के अंदर दोबारा होगा वो आयोजित भी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा महिला का, तो जो T20 है 20-20 ओवर वाला मैच, तो वो आपका कहाँ पर होगा 2023 के अंदर? वो होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा, 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी, तो ये आपका पुरुष का है विश्व कप का। देखिए, जो पुरुष वाला था, जो 50-50 मैच का वनडे वाला था, वो भी कहाँ पर है? भारत के अंदर। और जो पुरुष का ये विश्व हॉकी कप है, ये भी आपका कहाँ पर है? भारत के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 15वां महिला विश्व कप हॉकी 2022 ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा आपका स्पेन और नीदरलैंड के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर लो। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं वो अभी क्या हो जाए? निडर हो जाए। ठीक है, और आपको पेन सहन नहीं करना है समाज का, किसी का भी जो भी अत्याचार करता है। आपको क्या करना है? आपको ले लेनी है ओकी, और जो भी आपके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करता है आपको उसकी टांगे तोड़ देनी है। ठीक है, तो चलिए आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका, पुरुष रग्बी विश्व कप 2023, तो पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 ये आपका रहेगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा महिला रग्बी चैंपियनशिप 2022, तो ये है आपका महिला के लिए, तो ये आपका रहेगा न्यूजीलैंड। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा, 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो ये आपकी कहाँ पर होने वाली है? ये होगी आपकी अमेरिका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा विश्व सैन्य खेल 2023, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कोलंबिया।
नेक्स्ट आपका रहेगा 22वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022। तो 2022 के अंदर फीफा फुटबॉल फुटबॉल का विश्व कप कहाँ पर होगा आपका, ये होगा कतर के अंदर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा 9वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा आपका, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो रहेगा आपका फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप, तो ये है आपका अंडर 20। ठीक है, तो मेन तो जो आपके हैं ये वाले हैं मेन तो आपके, मेन तो आपको ये करने हैं 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप और ये है 22वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप, मेन तो ये हैं। अगर आप इनको भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जो फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप है ये आपका कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका इंडोनेशिया के अंदर। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रहेगा आपका फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप, ये ऊपर था पुरुष का, ये है आपका महिला वाला, तो ये कहाँ पर होगा आपका, कोस्टारिका। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट 2022। तो जो पुरुष का T20 एशिया कप, देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये T20 एशिया कप है, ऊपर क्या था T20 वर्ल्ड कप था। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप अलग है और ये T20 एशिया कप ये अलग होता है, तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये होगा पाकिस्तान के अंदर। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, 27वीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पर आयोजित होगी, तो ये होगी आपकी टोक्यो जापान के अंदर। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों के डेली कमेंट आ रहे हैं कि सर हम करंट अफेयर कितनी पढ़े, 6 महीने की पढ़े, 1 साल की पढ़े, 2 महीने की पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का जो है आपका क्वेश्चन ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि करंट अफेयर जो है किस तरीके से तैयार करनी चाहिए। आप चाहे 2 साल की पढ़ लो करंट अफेयर, चाहे 5 साल की, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कौन से टॉपिक से कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चाहे कितनी भी पढ़ लो कम रह जाएगी करंट अफेयर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी कंफ्यूजन है जिन बच्चों को, तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा 5-4 मिनट की, उसके अंदर सब बता दूंगा करंट अफेयर कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। मेन चीज है आपके टॉपिक कि टॉपिक कौन से पढ़ने चाहिए करंट अफेयर। करंट अफेयर का कोई मतलब लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी होती है करंट अफेयर, डेली के कितने क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर के, बहुत सारे बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेन टॉपिक होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो करते हैं ये समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।